दैप्पीनेस दैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट देअ गार्ड अकॉर्डिंगली टूडे थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी क्विक डिस्कशन ऑफ ऑल दीज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्सटे रैपिड जी के क्वेश्चन के आंसर्स हैं बेस ईयर टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम है दो हजार ग्यारह बारह अभी फिर से टॉक्स चल रहे हैं कि इसको फर्दर और आगे प्रोसीड करे 2017-18, बट अभी के लिए 2011-12 इज द डेट कर्नाटका कर्नाटका मेजर प्रोड्यूसर है मलबरी सिल्क का थर्ड फाइव ईयर प्लान है गाड़गिल योजना बोलते हैं 1961-1966। फॉरेस्ट होना जरूरी है टोटल जोग्राफिकल एरिया का ये हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये रेगुलेट करती है इंश्योरेंस बिजनेस को इन इंडिया स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट वो एम्प्लॉयमेंट होता है जब प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ अ स्टेट इनएडिक्वेट है मतलब प्रॉब्लम है स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट है वहां पे सो आर सिक्स आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चन आज के सवाल है हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक डिवाइन कॉमेडी रिटन अ गिफ्ट ऑफ मोनोथी द फेमस बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इज रिटन बाय हुम एंड हु फेमस बुक वी दीपल हुए हुए हु बुक गांधी एंड स्टॉलिन सो दीज आर सिक्स क्वेश्चन फॉर टूडे आज की वो कैबुलरी है अनबेटेड मतलब विदाउट एनी रिडक्शन इन इंटेंसिटी थ्रू थिक एंड थिथ विदाउट रिडक्शन इन इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ द क्वालिटी ऑफ बींग ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन डिसाइजिवनेस नहीं है इन एग्जैक्टनेस है वहां पर टूथलेस अक्सर गवर्नमेंट बॉडीज के लिए यह वर्ड यूज होता है टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब लैकिंग जेन्युइन फोर्स और इफेक्टिवनेस ऑफ

मणिपुर रिट्रैक्ट लेटर ऑन रिफ्यूजीज व्हाई बिकॉज ऑफ दिस म्यानमार स्कूल्स टू फोकस ऑन हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हॉलिस्टिक डेवलपमेंट दिल्ली की स्कूल पॉलिसी दिस इज अबाउट कन्वर्टिंग वेस्ट टू ग्रीनरी ताइवान एक्सपीरियंस सर्कुलर इकोनमी गुड नेबर्स ये एडिटोरियल है इंडिया बांग्लादेश एंड इंडिया डज नॉट शाइन वेन ओनली सम ग्लीम इनइक्वेलिटी इन बिकॉज ऑफ कोविड नाइनटीन इन दोनों का राइज हुआ है So India does not shine when only some gleam. A road to progress. This is researchers find new butterfly species. Mr. Jay Shankar Sab in 9th Heart of Asia Conference in Tajikistan. This is Chief WHO Inflation at Worrisome Level. This is Hindi article Worldwide Fund for Nature. Yes, EZK Solutions and some questions. So we are going to talk about all these important topics and some more in next about 35 to 40 minutes. दिस इज़ दिंदू एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस अवर रेफरेंस मटेरियल सी सर्ज इन केसेज अ कोज फॉर कंसर्न सेंटर ने बताया कुछ राज्य हैं उनमें भी कुछ जिले हैं जहाँ बहुत तेजी से कोविड नाइन्टीन के केसेज आ रहे हैं मुंबई थाने पुणे नासिक नागपुर ये हैं महाराष्ट्र देन दिल्ली भी है बेंगलोर भी है सो दीज आर सर्टेन हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेज आ रहे हैं कोविड नाइन्टीन के पुणे बैंगलोर अमंग टेन डिस्ट्रिक्ट विद हाई एक्टिव केस लोड सो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी रैम्पअप करें आर टी पी सी आर टेस्ट को कोविड नाइन्टीन अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें वैक्सीनेशन ड्राइव फुल थ्रोटल में चलाना जरूरी है एस्पेली प्रायोरिटी एज ग्रुप को देन सेकेंड यूज इज मनीपुर रिट्रैक्ट लेटर ऑन रिफ्यूजीज रिफ्यूजीज सी ये कल हमने मैप देखा था म्यांमार है म्यांमार और ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं मिजोरम मणिपुर नागालैंड ये कुछ स्टेट्स हैं बिकॉज म्यांमार में क्रैकडाउन हो रहा है मिलिट्री जनता और मिलिट्री का क्रैकडाउन के कारण कू के कारण बहुत सारे म्यांमार के जो हैं वो इंडिया में एज अ रिफ्यूजी एंटर कर रहे हैं तो जब बहुत सारे रिफ्यूजीज आ जाएंगे हमारे बॉर्डर में इधर तो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो है ही साथ ही साथ एक सिक्योरिटी का भी थ्रेट है सो so, ये काफ़ी वोलेटाइल सिचुएशन यहाँ पे हो रही है गवर्नमेंट यहाँ पे वर्क कर रही है सी इसमें अभी क्या डेवलपमेंट होता है फिलहाल के लिए मिजोरम प्लान्स टू इंक्लूड म्यांमार एग्जाइल्स अंडर दिस एम जी सी देन दिस इज केरला दिस इज एल डी एफ दिस इज एस जी पी सी सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू ये सेकेंड पेज है दिल्ली में अभी कल परसों ही मैक्सिमम दिस मार्च का टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ ग्लोबल वार्मिंग थर्टी सेवन पॉइंट नाइन डिग्री सेंटीग्रेड था यूजुअली मार्च में इतना टेम्परेचर होता नहीं है नेक्स्ट डे ही ये गस्ती विंड्स आ गई फोर्टी किलोमीटर पर आवर की तो सी दिस इज द प्रॉब्लम जो नेचर है वो इतना ज़्यादा ह्यूमंस ने अब्यूज किया है नेचर को कि जो क्लाइमेट चेंज है वो बहुत पेस पिक कर लिया है रैपिडली हो रहा है और बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज नेचर के लिए तो क्लाइमेट चेंज वैल्यू न्यूट्रल होता है बट हम लिविंग बींग्स के लिए ह्यूम्स के लिए इसका नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है और नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा नजर आ रही है इन पास सम टाइम सो देरफोर क्लाइमेट चेंज जो है दैट इज बिकमिंग अ बिग थ्रेट स्कूल्स टू फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट होलिस्टिक कंप्लीट होना चाहिए होल्जम होना चाहिए होलिस्टिक डेवलपमेंट तो यहाँ इनकी एक नई अप्रोच है जैसे थ्री फोल्ड पर्पज है बोर्ड एक बनाया है इन्होंने कि जो रोट लर्निंग होती है रट्टाफिकेशन होता है इसको हम ज़्यादा इंकरेज नहीं करें हम इनक्रेज करें हॉलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब समझ में भी आना चाहिए कि ये है तो क्यों है डिसीजन मेकिंग एम्फेसिस करें कंटिन्यूस फॉर्मेटिव असेसमेंट को असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स जैसे अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं ओपन बुक एग्जाम के बारे में अभी कुछ दिन पहले हमने एक आर्टिकल देखा था ओपन बुक एग्ज़ाम के क्या मेरिट्स हैं क्या डीमेरिट्स हैं देन असेसमेंट स्टूडेंट का असेसमेंट कैसे हो और असेसमेंट भी ऐसा होना चाहिए कि अननेसेसरी प्रेशर नहीं आना चाहिए स्टूडेंट पे रैंडमनेस नहीं होनी चाहिए एक सर्टेन क्राइटेरिया होना चाहिए एनकरेज अ ग्रोथ माइंडसेट अमंग स्टूडेंट्स ग्रोथ माइंडसेट को एनकरेज करना है एंड एवरी चाइल्ड इज स्पेशल हर किसी का अपना एक यूनिक स्ट्रेंथ होता है तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हमने सबको एक ही मोल्ड में कन्वर्ट कर दिया कि सब बस ऐसे ही सोचेंगे नो यू हैव गॉट योर ओन क्रिएटिविटी यू हैव गॉट योर ओन क्रिएटिविटी सो दिस क्रिएटिविटी शुड बी एनकरेज ग्रोथ माइंड सेट अमंग स्टूडेंट्स तो ये कुछ नई अप्रोच है डिजिटल टेक्नोलॉजी के पुष्ट को भी ये इनकरेज करेंगे और जो टीचर्स हैं टीचर्स को क्या प्रॉब्लम हो रही है टीचर्स का क्या फीडबैक है बिकॉज टीचर ही वो होता है जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है स्टूडेंट से तो टीचर नू इज़ बेटर कि स्टूडेंट का क्या प्रॉब्लम है क्या चैलेंजेस है कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है बॉटल नेक क्या आ रहा है दिस थिंग वी नीड टू एनकरेज बीच में मिडिल मैन नहीं आना चाहिए कि जो या तो वो गवर्नमेंट हो गई या फिर कॉरपोरेट्स में आजकल बहुत सारे दिस कॉरपोरेट लॉबी हो गई इन्वेस्टर्स एट्सेट्रा वो डिसाइड करने लग गए कि एजुकेशन में क्या होगा क्या नहीं होगा नो एजुकेशन इज अ मैटर बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट पॉलिसी फॉर्मुलेशन में टीचर और स्टूडेंट ये दोनों मेजर स्टेक होल्डर्स होने चाहिए देन दिस इज थ्री फोल्ड पर्पज ऑफ द बोर्ड तो द पॉइंट इज करिकुलम बेटर करें टीचर्स का फीडबैक जरूरी है और जो इवेल्युएशन मैथडोलॉजी है एग्जाम का टेस्ट उसमें भी टेक्नोलॉजी यूज करें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए स्ट्रेस फ्री होना चाहिए स्ट्रेस फ्री देन जो नेक्स्ट है दिस इज बेसिकली एन एडवर्टोरियल बट यहाँ कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं पेज नंबर थ्री में कन्वर्टिंग वेस्ट टू ग्रीनरी वेस्ट टू ग्रीनरी ताइवान एक्सपीरियंस कुछ दिन पहले हमने ताइवान इंडिया और ताइवान के रिलेशन को डिस्कस किया था वी प्रिपेयर नोट आई इन द इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस मंथ आई गिव यू अ चैलेंज कि मुझे जैसे तीन घंटे लगते हैं इस पेपर को बनाने के लिए तो यू ऑल्सो स्टडी फॉर एटलीस्ट थ्री प्लस आवर एवरी डे दिस इज अ चैलेंज कुछ स्टूडेंट्स ने किया है रोज आंसर्स लिखे हैं एंड दे हैव कवर्ड सो मेनी थिंग्स सिलेबस का इतनी सारी चीजें कवर किया है दिस इज द की स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस स्लो एंड स्टडी बी रेगुलर बी डिसिप्लिन रोज पढ़ाई करनी है डू इट फॉर समाइम गिव योर सेन वन ईयर ऑफ टाइम से यू विल सी द डिफरेंस ओके कन्वर्टिंग वेस्ट टू ग्रीनरी द ताइवान एक्सपीरियंस अब ये बेसिकली एडविटोरियल है ताइवान ने बताया है ताइवान का बहुत अच्छा एक्सपर्टीज है वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करने का ताइवान एक आईलैंड है तो एरिया का इसके पास शॉर्टेज होता है तभी यहाँ पर टॉल बिल्डिंग्स भी बहुत है टेक्नोलॉजी काफ़ी यूज करते हैं तो इंडिया इससे काफ़ी ज़्यादा दिस हम लेसनस ले सकते हैं वेस्ट टू एनर्जी ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं हमें इसका एमिशन रिड्यूस करना है जो ई व्हीकल्स है ना इसको भी एनकरेज करना है आज गडकरी साहब का एक स्टेटमेंट मैं देख रहा था कि जो ई व्हीकल्स हैं बेसिकली ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और साथ ही साथ इनकी रेंज काफ़ी कम होती है जैसे टाटा का नेक्सॉन ई है एक्सपेंसिव है नॉर्मल पेट्रोल डीजल सात आठ लाख में आएगा ई आएगा फोर्टीन फिफ्टीन लाख में और प्लस इसकी रेंज भी कम होती है ढाई सौ सौ किलोमीटर रिचार्ज स्टेशन कम होते हैं तो क्यों ना हम इसको ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाएं बैटरी जो है इसमें हम ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें रेंज पे भी वर्क करें चार्जिंग स्टेशन पे भी वर्क करें और कॉस्ट भी इसकी कम हो तो पॉइंट इज हमें सर्कुलर इकोनॉमी पे भी फोकस करना है सर्कुलर इकोनॉमी दो टाइप की इकोनॉमी के वर्ड्स होते हैं सर्कुलर और लीनियर लीनियर मतलब टेक मेक एंड वेस्ट सर्कुलर मतलब थ्री आर रिड्यूज रिसाइकल एंड रीयूज तो जो सस्टेनेबिलिटी है ना वो इधर ज़्यादा है सस्टेनेबिलिटी रिड्यूज रीसाइकिल एंड यूज में है. तो हम क्या कर सकते हैं हम स्पेस मार्केटिंग सोलर सेल्स टेक्नोलॉजी यू ये यू ए है ड्रोन्स एग्रीकल्चर में प्रिसीजन हेल्थ एंड दिस इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड एडवांस्ड सेमी कंडक्टर ताइवान सेमी कंडक्टर के लिए बहुत ज़्यादा दिस वर्ल्ड नोन है रेपुटेशन है इसकी सो वी कैन टेक सर्टेन हम कुछ इससे लेसन सीख सकते हैं बायोलॉजिकल सर्कुलर इकोनॉमी ऐसे होगी जैसे बायोमास हुआ मैन्युफैक्चर कंजम्पशन री यूज रीसाइकल प्लांट बेस्ड शुगर स्टार्च और ये लिग्नो है सी ओ टू एंड ऑफ लाइफ टेक्नोलॉजी बायो एनर्जी बायो केमिकल बायो रिफाइनरी द पॉइंट इज जो भी बायो वेस्ट बन रहा है उस सारे बायो वेस्ट को हमको डिकम्पोज करके या पायरोसिस एक्सेट्रा हम उसको कन्वर्ट करें एनर्जी में और जो जितने ज़्यादा पार्ट्स हो सकते हैं हम रिकवर कर सकते हैं उनको रिकवर करना चाहिए री शुड बी आवर फोकस सो दिस इज़ ताइवान इंडिया कोऑपरेशन यहाँ पे उन्होंने बताया कि ताइवान ने काफ़ी अच्छी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बना लिए जैसे बायो इथेनॉल यूज़ कर रहे हैं बायो प्लास्टिक स्टिक्स यूज़ कर रहे हैं इससे फार्मर की इनकम भी बढ़ती है उसको सप्लीमेंट्री इनकम मिलती है फार्मर को देन टेक मेक वेस्ट की जगह हमें करना है थ्री आर रिड्यूज रीसाइकल एंड री रॉ मटेरियल जो है वो वेस्टेज से मिलता है उसको आप एनर्जी वहाँ से ड्रॉ करो पार्टिकुलेट मेटर वगैरह कम होगा फर्टिलाइजर्स में हेल्प होगा जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ऑल्सो अवर एम्फेसिस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हेल्प हो सकते हैं द पॉइंट इज जो भी डेवलप हो रहा है मैन्युफैक्चर हो रहा है उसके सारे कॉम्पोनेंट्स को हम यूटिलाइज करें री करें सो दिस इज वेस्ट टू एनर्जी रिपेयर अ नोट ऑन वेस्ट टू एनर्जी कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये जो वर्ड है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रिपेयर अ नोट ऑन वेस्ट टू एनर्जी कॉन्सेप्ट सो दिस इज क्वेश्चन नंबर वन फॉर टूडे देन सेकेंड है दिस इज अबाउट गुड नेबर्स गुड नेबर्स पीपल ऑन बोथ साइड्स नीड टू बी अवेयर ऑफ द सेंसिटिविटीज इन इंडिया बांग्लादेश टाइज टू कॉम्युनिकेशन कॉम्युनिकेशन एक बहुत पावरफुल वर्ड होता है इसमें एक सेंडर होता है मैसेजर होता है मैसेज होता है और एक रिसीवर होता है ये जो कम्युनिकेशन है ना ये प्रॉपर होना ज़रूरी है बिकॉज अक्सर कंट्रीज़ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप होती है बिकॉज ऑफ दिस पुअर कम्युनिकेशन और कंट्रीज़ एक दूसरे के कल्चर वहाँ की सेंसिटिविटीज़ वहाँ की वैल्यू किस चीज़ पर वो दे रहे हैं इस चीज़ को वो अंडरस्टेंड नहीं कर पाते तो जब फॉरेन रिलेशंस हम पढ़ते हैं आईआर में तो इसमें कल्चरल सेंसिटिविटी कंट्रीज का एस्पायरेशन ये चीजें भी बड़ी मायने रखती है गुड नेबर्स नेबरहुड अगर आपका पीस है कोऑपरेटिव है तो दिस इज अ ग्रेट स्ट्रेंथ फॉर यू गुड नेबर्स पीपल ऑन बोथ साइड्स नीड टू बी अवेयर ऑफ द सेंसिटिविटीज इन इंडिया बांग्लादेश टाइज टू यस्टरडे हमने इस पर एक टॉपिक पे प्रिपेयर किया था इंडिया एंड बांग्लादेश सी इस टाइप के टॉपिक कर सकते हैं बड़ बट सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है ना वो होता है दिस टाइम का बड़ा शॉर्टेज होता है सम so, टाइम थोड़ी चीज़ें स्ट्रीमलाइन होगा ंग बट फॉर नाउ अभी जो रेगुलर न्यूज पेपर है उसको हम ऐसे ही फॉलो करते हैं ओके समटाइम्स बैक आई ऑल्सो प्लान टू मेक वीडियोज लाइक वर्ल्ड हिस्ट्री के भी कुछ इंटर एक्टिवीडियोज बनाए रहते हैं बट अगेन बहुत टाइम कंज्यूमिंग है वो सारी प्रोसेस तो गिवी समाइम अप्रैल से हम थोड़ा इसको स्पीडअप करते हैं थिंग्स we'll अब ये जो पॉइंट है गुड नेबर्स फॉर नाउ यू हैव टू रीड न्यूज पेपर एवरी डे और न्यूज़पेपर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है न्यूज़पेपर से बहुत सारी पैरिफरल नॉलेज होती है सप्लीमेंट्री नॉलेज होती है कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बेटर होती है आइडियाज़ बहुत वाइड रेंज के मिलते हैं तो न्यूज़पेपर का तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है न्यूज़पेपर रोज पढ़ना है देन ये है सेरेमनी जैसे अब इसके इन कंटिन्यूएशन में हमने बंग बंधु रहमान जी को गांधी पीस प्राइज़ दिया तो द पॉइंट इज ये शोनाली अध्याय है गोल्डन चैप्टर बोलस्ट्रिंग प्लान बट कुछ यहाँ पर हिकअप्स भी हैं कॉन्फ्लिक भी है जैसे रिवर वाटर शेयरिंग तीसता का इंसर्जेंसी का इ लीगल माइग्रेंट्स का बॉर्डर डिस्प्यूट्स का एंड चाइना इज़ अ फैक्टर द पॉइंट इज देर आर ऑब्वियसली सर्टेन इनसेंसिटिविटीज सर्टन प्रॉब्लम एरियाज बट बहुत सारा ब्राइट फ्यूचर भी है सो वी शुड वॉक अकॉर्डिंगली वॉक केयरफुली फ्यूचर इज ब्राइट गुड नेबरस और इंडिया की हमेशा से पॉलिसी भी रही हुई है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लुक ईस्ट पॉलिसी गुजराइल गुजराल डॉक्टराइन पंचशील के सिद्धांत ये सब इंपॉर्टेंट है वासुदेव कुटुंबकम, ये फॉरेन पॉलिसी में हमारा इंपॉर्टेंट है दिस इज टेरिटोरियल बैटल पॉलिटिकल आर्टिकल है इंडिया डज नॉट शाइन वेन ओनली सम ग्लीम हमारे यहाँ इनक्वैलिटी बहुत ज्यादा है इनक्वैलिटी मतलब एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो बहुत हैव्स है दूसरा सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो हैव नॉट्स है तभी हमारे यहाँ आर्टिकल थर्टी नाइन बी होता है आर्टिकल थर्टी नाइन सी होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होती है स्टेट की जो पॉलिसी होती है वो फोकस करती है इक्विटी पे इक्विटी पे राइट टू तो इक्वेलिटी है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है इंडिया डज नॉट शाइन वेन ओनली सम ग्लीम कोविड नाइन्टीन हुआ तो इसने ये जो वेज था हैव्स और हैव हैवनोट्स में इसको और ज़्यादा ब्रॉडन कर दिया है हमारी जो इकोनॉमिक रिकवरी है ना वो भी वी शेप्ड कम है के शेप्ड रिकवरी ज्यादा है कुछ सेक्टर्स ऊपर गए कुछ सेक्टर्स नीचे गए दिस इज के शेप्ड ऑल्डो इन लॉन्गर रन ये कन्वर्ज होगा बट फॉर नाउ डिस्पैरिटी इज ऑन ट्राइज पैंडमिक में हम बिल्ड बैक बेटर करें एड्रेस करें इनक्वालिटी को इनक्विटीज वाइडन हुई है जैसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स कल हिंदी में देखा था ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडिया का नाइनटी फोर्थ रैंक है आउट ऑफ हंड्रेड एंड सेवन वेरी पुअर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में हम लीस्ट हैप्पी हैं

दैट इट्स सेट आउट टू अचीव इन नाइनटीन फोर्टी सेवन इक्वेलिटी हमारा ओवरऑल जैसे जी डी पी नंबर हम बोलते हैं हम फाइव दिस ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे बट ये करेक्ट पिक्चर नहीं दिखाता है जी डी पी जो नंबर होते हैं ये करेक्ट प्रोग्रेस नहीं दिखाते हैं बिकॉज इट इज पॉसिबल कि एक सर्टन सेक्शन ने अच्छा किया तो ओवरऑल एवरेज ऊपर हो गया बट डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं था वो द साइज ऑफ़ इट्स जी डी पी द नंबर्स ऑफ बिलियनर्यर द नंबर ऑफ इंडियन मल्टी नेशनल एंड द रीच ऑफ इट्स रॉकेट्स इन स्पेस दिस इज नॉट एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन की कितना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ है कंडीशन होली मदर अर्थ रेवेज बाई इकोमिक प्रोग्रेस इन दंडीशन ऑफ हंड्रेड मिलियंस ऑफ सिटीजन लेफ्ट बिहाइंड नो बडी शुड बी लेफ्ट बिहाइंड्रोच तो इंडिया डज नॉट शाइन वेन ओनली सम ग्लीम ये जैसे आर्टिकल होते हैं ना दे आर वेरी गुड दिस फॉर एसे राइटिंग ऐसे के लिए काफी अच्छे यहाँ पे पॉइंट्स है सो द पॉइंट इज़ जो ग्रोथ है फ्रूट्स हैं डेवलपमेंट के प्रोग्रेस के उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है रिमोटनेस इज टू हिंड्रेंस टू अकेडमिक एक्सेलेंस कुछ दिन पहले हमने एक आर्टिकल देखा पहले हमारे यहाँ कुछ पुराने आई होते फिर हमने धीरे धीरे आई आई और एम्स ऐसे करके इंस्टीट्यूशन को बढ़ाया बट द पॉइंट इज क्वांटिटी के साथ क्वालिटी डिटीरियोरेट नहीं होनी चाहिए एक और बात ये लिखा है कि जैसे अक्सर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं उनकी लोकेशन कहाँ रखें ये भी मैटर होता है बट इस आर्टिकल में ये आर्गूमेंट दिया है कि लोकेशन डजेंट मैटर जैसे ये कॉर्नल यूनिवर्सिटी है ये रूरल न्यू इंग्लैंड में है ऐसे और भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत रिमोट लोकेशन पे हैं रूरल लोकेशन पे हैं जोग्राफिकली दिस रिमोट डिफ़िकल्ट टेरेन पे है बट एजुकेशन में करिकुलम में ये चीज़ें मैटर नहीं करती है और एस्पेशली जब से टेक्नोलॉजी आई हुई है इंस्टीट्यूट कहीं पर भी हो टेक्नोलॉजी के हेल्प से उसकी ऑल ओवर द वर्ल्ड कनेक्टिविटी हो सकती है तो रिमोटनेस इज नो हिंड्रेंस टू अकेडमिक एक्सेलेंस देन दिस इज क्वागमायर पॉलिटिकल क्वाग मायर दिस इज फाइन प्रिंट और रूट टू प्रोग्रेस ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कॉन्सेप्ट है कोऑपरेटिव्स कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव क्या होते हैं कोऑपरेटिव हमने इसलिए लाए थे लाइक जो लाइक माइंडेड पीपल है जो बहुत सारा ग्रुप एक पर्टिकुलर ऑनटरप्रोनोरशिप करना चाहता है वो एक साथ मिले एक साथ आए कोऑपरेटिव बनाए और फिर वो अपना बिजनेस करें ऑनटरप्रोनोरशिप करें तो एकता में शक्ति होती है संगठन में शक्ति होती है सो वो उनका कलेक्टिव राइट्स ऐसे आगे बढ़ेंगे सो दे वुड डू बेटर फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन फ्लड हुआ वाइट रिवोल्यूशन हुआ कोऑपरेटिव्स अमूल जो है ये कोऑपरेटिव था आर्टिकल 19 में 97 सेवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव भी ऐड हो गया है आर्टिकल 43 बी में डीपीएसपी में भी कोऑपरेटिव का मेंशन है आर्टिकल 243 फोर्टी थ्री टू टू फोर्टी में भी कोऑपरेटिव बारे में लिखा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किसी भी ग्रुप को सक्सेस बनाना है किसी भी ग्रुप को चाहे वो कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको फाइनेंशियली वायबल बनाओ फाइनेंशियली स्टेबल करो सोर्सेज ऑफ इनकम दो डोल्स और हेल्प के बजाय अगर उन्हें इंडिपेंडेंट बना दिया जाए ना तो प्रोग्रेस ज्यादा होती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी द अप्रोच मेड इट पॉसिबल टू एनहेंस बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस इन द डेरी वैल्यू चेन बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस अमूल का जो डेरी है ये क्लासिक सक्सेसफुल एग्जाम्पल है पेविंग द वे फॉर रींग स्मॉल फार्मर्स फ्रॉम द क्लचेज ऑफ

पॉक्सो एक्ट कैन बी यूज अगेंस्ट माइनर्स देन रिसर्चर्स ने एक नई बटरफ्लाई स्पीशीज मिली है द न्यू स्पीशीज फाउंड इन दिस अगसत्य मलाई अ ग्रुप ऑफ ये क्या होते हैं ये बटरफ्लाई के जो स्टडी करते हैं रिसर्च करते हैं उनको बोलते हैं दिस लेपेडो टेरिस्ट देन हैव एडेड अ स्पीशीज टू द एक्सपैंड लिस्ट ऑफ बटरफ्लाई डिस्कवरी ऑफ स्पीशीज मिला है ये नाम है इस बटरफ्लाई का एंड ये जर्नल ऑफ दिस थ्रेटेंड टेक्सा में इसका नाम भी आया है

एंगेज इन गुड फेथ और ये भी कहा इन्होंने रीजनल कनेक्टिविटी इनिशियटिव जो है इंडिया का जो एयर कॉरिडोर प्रोग्राम है चाहबहार पोर्ट है चाइना का इन्वेस्टमेंट चाहबहार पोर्ट देन तर्कमनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान पाइपलाइन टी ए पी आई पाइपलाइन गैस ऑयल पाइपलाइन तापी तो ये चीज़ें हैं जिसपे इंडिया का काफ़ी स्टेक है सेंट्रल एशिया में हार्ट ऑफ दिस एशिया हार्ट ऑफ एशिया मीट में मिस्टर एस जयशंकर साहब ने यह बात कहा ओसीआई कार्ड होल्डर नीड्स नॉट कैरी ओल्ड पासपोर्ट री इश्योरेंस एक्सटेंड हो सकता है और ये स्क्रैपिंग व्हीकल पॉलिसी है सो दिस दिस पेज अब जो नेक्स्ट है दिस इज अ टच ऑफ स्टार क्वालिटी शोकेस ऑसम व्हीकल्स फेमस फाइव दिस इज कुफू कुंगफू काइंडनेस ब्रेकिंग ब्रेड ऑल बिफोर चाइना कट्स हांगकॉन्ग इलेक्टेड सीट्स अपसी चाइना और यूके में जो टेंशन होता है वो क्यों होता है वन ऑफ द रीजन इज दिस हांगकॉन्ग हांगकॉन्ग पहले यूके का टेरिटरी था फिर हांगकॉन्ग चाइना को दे दिया गया बट द पॉइंट कंडीशन ये थी कि हांगकॉन्ग का जो डेमोक्रेसी है उसको चाइना ऑल्टर नहीं करेगा और चाइना यही करता है चाइना कट्स हांगकॉन्ग इलेक्टेड सीट्स बीजिंग टाइटन्स कंट्रोल ओवर द सिटी आफ्टर स्वीपिंग चेंजेस टू इट्स इलेक्टोरल सिस्टम वर अप्रूव्ड यहाँ की डेमोक्रेसी को कर्ब करने की कोशिश करता है और दिस इज द रीजन की फिर हॉन्गकॉन्ग में प्रोटेस्ट होते हैं दिस इज बांग्लादेश प्रोटेस्ट प्रेसिडेंट शी एंड गोटाबाया स्पीक ओवर फोन रीअ टाइज ग्लोबल लीडर पुश फॉर न्यू पैंडमिक ट्रीटी ये टेड्रोज़ हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देन दिस इज मोजाम्बिक इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन इज गुड बट अगर वो फोर प्लस माइनस टू परसेंट की रेंज में रहता है इन्फ्लेशन एट वरिज्म इन्फ्लेशन अगर सिक्स परसेंट क्रॉस कर रहा है तो इसका मतलब जो आपका वेल्थ है वो डिटीरियोरेट हो रहा है ऑयल प्राइसेज विल कीप अप प्रेशर और इन्फ्लेशन पुश कॉस्ट पुश भी हो सकता है डिमांड पुल भी हो सकता है यहाँ मेजर प्रॉब्लम है जो ऑयल प्राइसेज है कॉस्ट बढ़ रही है ऑयल प्राइसेज बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन भी अप हो रहा है इंडिया एक्सपेक्टेड टू रिटेन करंट इन्फ्लेशन टारगेटिक फ्रेमवर्क मूडी एनालिटिक्स मिस्टर मिस्त्री सिग्नल एंड टू टसल दिस इज़ अ गुड थिंग गवर्नमेंट रिलीजेज जीएसटी एस ड्यूज ऑफ रुपीज फोर्टी फोर थाउजेंड करोड़ लास्ट टाइम फोर्स बेजड़ लग गया था बट अब जीएसटी के ड्यूज फोर्टी फोर थाउजेंड करोड़ यहां पे गवर्नमेंट ने रिलीज़ कर दिए फंडिंग जरूरी है सीतारमन मैम ने कहा ऑटो पेमेंट रूल टू टेक इफेक्ट अप्रैल फर्स्ट से पैसेंजर व्हीकल को ग्रोथ करना है एम्प्लॉयमेंट ऑटोमोबाइल सेक्टर एक ह्यूज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है तो ऑटोमोबाइल सेक्टर को रिवाइव करना इज इंपॉर्टेंट

डरिंग चाइना स्टैंड ऑफ नीति आयोग बोल रहा है कि फूड कारपोरेशन जो हमारा एक्ट आया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन इसमें जितने हमने कवर किए थे अराउंड सेवेंटी फाइव परसेंट लोग कवर हो गए थे उसको थोड़ा कम करें डिस्टर्बिंग स्टिलनेस डिनाइल वर्सेज डिनाइल एज वटा ऑन द साइड ऑफ द फ्यूचर म्यांमार म्यांमार के साथ क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अब सी इसमें एम ई ए भी कोई क्लियर कट स्टेटमेंट दे नहीं रहे लोकल्स जो हैं मिजोरम वहाँ के चीफ मिनिस्टर एंड ऑल ने कहा कि हमें जो रिफ्यूजीज आ रहे हैं उनको काइंड ट्रीटमेंट देना चाहिए बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो म्यांमार की जो मिलिट्री गवर्नमेंट है उसके साथ रिलेशंस भी अभी सोर मतलब अनप्रडिक्टेबल है यहाँ पर किस डायरेक्शन में ये बढ़ेगा तो वेट एंड वॉच यहाँ पर फिलहाल की पॉलिसी है टेस्टिंग ओवर लर्निंग एनी ट्रिपिंग ऑन जियो इकोनॉमिक्स जोग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स पाकिस्तान का हमेशा से सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ रही है ना वो रही है इसकी ज्योग्राफी पाकिस्तान की ज्योग्राफी ऐसी है कि अगर सेंट्रल एशिया में कोई भी एक्टिव काम करना है तो बिना पाकिस्तान की हेल्प से आप सेंट्रल एशिया में नहीं जा सकते सो दिस इज़ द रीज़न यू ने इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था पाकिस्तान को बिकॉज उसको अफगानिस्तान में ऑपरेशन करने थे ट्रिपिंग ऑन जियो लेट लेटेज दी अब सिचुएशन चेंज हो रही है दैट इज़ बाय पाकिस्तान की जो टोन है वो भी अब चेंज हो रहा है ज़्यादा अब ये फ्रेंडशिप एंड नॉर्मल सी पीस इनकी बात कर रहे हैं हाउ द विंड ब्लोज इन बेंगॉल एंडिंग एम्बिग्यूटी इन दिल्ली शिप फ्री हुआ है इट्स कोविड माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स एंड श्रग्स ऑफ सेंसेक्स ने श्रग्स ऑफ किया कोविड सर्ज को कोई इम्पैक्ट पड़ा नहीं देन दिस इज मिस्त्री फोक्स वैगन फोक्स वैगन ये अप्रल फूल कर रहे थे ये देन दिस इज हिंदी आर्टिकल वर्ल्ड वाइड फंड नेचर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा अभी दिस अर्थ आवर एक घंटे के लिए हमने लाइट्स ऑफ किया था ये इंपॉर्टेंट बॉडी है इससे दो तीन बार सवाल आए हैं प्रलिम्स में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ये विश्व का एक अग्रणी संरक्षण संगठन है सौ से अधिक देशों में काम करता है इसकी स्थापना 1961 में हुई थी ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है इसका काम क्या है प्रकृति का संरक्षण करना पृथ्वी की जैव विविधता पर सबसे अधिक दबाव डालने वाले खतरों को कम करना इसकी मुख्य बातें हैं जैसे टी एक्स टू लक्ष्य है ट्रैफिक है लिविंग प्लान रिपोर्ट है यह रिपोर्ट कौन लाता है डब्ल्यू डब्ल्यू एफ ये सवाल था प्रलम्स में लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है इस कार्यक्रम में सिडनी ऑस्ट्रेलिया से ये स्टार्ट हुआ था कि एक घंटे के लिए हम लाइट्स ऑफ रखेंगे मार्च महीने के अंतिम शनिवार को ये होता है वन से अधिक देशों के लोगों को उनके स्थानीय समय के अनुसार रात साढ़े आठ से साढ़े नौ बजे तक लाइट्स ऑफ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है अब सी ये सिंबॉलिक सिंबोलिज्म है सिंबोलिज्म है इसका लिटरल वैल्यू नहीं लेना चाहिए कि एक घंटे से क्या बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ जाएगा इम्पैक्ट आएगा सोच में अवेयरनेस में जागरूकता आएगी दिस इज सिंबॉलिक मेजर उद्देश्य है प्राथमिक उद्देश्य लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति जागरूक करना और ऊर्जा संरक्षण के लिए गैर जरूरी प्रकाश के उपयोग से बचने के लिए प्रोत्साहित करना जो अननेसेसरी हम लाइट का वेस्टेज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज करते हैं इट शुड बी अवॉइडेड सो दिस इज वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और ये है अर्थ आवर साढ़े आठ से साढ़े नौ लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च देन ये सॉल्यूशंस हैं कल के एज ऑफ वेमेन अगर हम डब्ल्यू एज्यूम करें तो एवरेज एज ऑफ मैन एक्स मानते हैं अब दो यहाँ पे रिप्लेस हुए हैं ट्वेंटी एट एंड थर्टी टू तो उनको सबस्टेट कर देते और दो डब्ल्यू एड कर देते तो ट्वेल्व था बारह लोग थे तो ट्वेल्व एक्स टोटल एज था उसमें से माइनस ट्वेंटी एट माइनस थर्टी टू किया और टू डब्ल्यू एड कर दिया अपॉन ट्वेल्व दैट इज एक्स माइनस वन बिकॉज एज वन ईयर कम हो गई तो इससे डब्ल्यू आ जाएगा ट्वेंटी फोर तो आंसर इज ट्वेंटी फोर सेकेंड भी इजी सवाल है टोटल एज ऑफ एट्टी बॉयज़ आ गया टोटल एज ऑफ सिक्सटीन बॉयज़ आ गया ट्वेंटी फाइव बॉयज़ ये आ गया अब एवरेज एज रिमेनिंग बॉयज़ का निकालना है वो इन दिस सब्सट्रैक्ट सिक्स हंड्रेड एंड टेन अपॉन्ट फोर्टीन वन दैट इज फिफ्टीन पॉइंट टू फाइव इसमें बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है एवरेज निकालना है और कितने लोगों का वो एवरेज है उतना सब्सट्रैक्ट करिए ऐड करिए यू विल गेट दी आंसर ये भी बड़ा इजी था राम को हमने जीरो माना तो ब्रदर सिक्स हो गया फादर सिक्स प्लस थर्टी टू थर्टी एट मदर थर्टी एट माइनस थ्री थर्टी फाइव तो सिस्टर का एज हो गया थर्टी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव टेन इयर्स ये पहला सवाल है आज का इन अ रेस ऑफ वन थाउजेंड मीटर ए कैन बीट बाय हंड्रेड मीटर ए कैन बीट बाई हंड्रेड मीटर इन अ रेस ऑफ एट हंड्रेड मीटर बी कैन बीट सी बाय हंड्रेड मीटर बाई हाउ मेनी मीटर्स विल ए बीट सी इन अ रेस ऑफ सिक्स हंड्रेड मीटर अब इसमें रिलेटिव कॉन्सेप्ट निकालना है ए बी सी का ए के रेस्पेक्ट में दिए तो बी और सी का रेस्पेक्ट क्या होगा यू फाइंड इट आउट अगेन ईजी है ए कैन रन ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव मीटर वाइल बी रन ट्वेंटी फाइव मीटर ए इतना रन करता है जब बी इतना रन करता है तो जब एक किलोमीटर की रेस होगी तो बी ए को कितने मीटर से हराएगा दो सौ मीटर रेस से ए ने बी को बीट किया पैंतीस मीटर या फिर सात सेकेंड में मतलब पैंतीस मीटर के लिए सात सेकेंड लग रहे हैं तो ए का टाइम ओवर द कोर्स कितना होगा ए का टाइम फाइंड करना है सो दिज आर क्वेश्चन फॉर टूडे वाइड फंड फॉर नेचर दिस इज टैड्रोस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हार्ट ऑफ एशिया समिट रोड टू प्रोग्रेस सम क्लीम गुड नेबर्स दिस इज वेस्ट टू एनर्जी स्कूल्स टू फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड दिस इज कोविड नाइनटीन सर्ज So, this is 31st of March 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.